अब इसमें हम जो है वो करेंगे एक्सपेंशन, जिसमें हम लेंगे ए जो है हमारे पास क्या है पी क्यू आर, एक्स की वैल्यू पी, एक्स की वैल्यू की और क्यू और एक्स की वैल्यू आर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास तीन है, ठीक है, तीन आपके पास इसके कोऑर्डिनेट कंपोनेंट बन रहे हैं। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट आप ऐसे ही जैसे आपने पी की वैल्यू वन पुट कर देनी है, तो आप देखेंगे ए वन और यहाँ पे आप वन लिखेंगे, ये आपके पास बाकी टर्म्स वैसे की वैसी, यहाँ पे भी आ जाएगा ए वन, यहाँ पे एक्स की तीन टर्म, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पी आपने वन पुट कर दिया है, क्यू की कैसे लिखेंगे, क्यू आप इसमें जो है ना वो ऐसे ही लेंगे, जैसे इस केस में आप पी ने वन पुट किया, आपने क्यू की वैल्यू लेंगे वन टू एंड थ्री, तो लिखें पहली टर्म वन है, यहाँ पे भी वन आ जाएगी, यहाँ टू, यहाँ टू और यहाँ आपके पास थ्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा, और पीछे बचा क्या आर, इधर आर एक आ जाएगा, एक आर इधर बच गया, एक आर इधर और एक आर आपके पास यहाँ और एक यहाँ, ये आपके पास आ गया। अब आपने नेक्स्ट टर्म करनी है, नेक्स्ट टर्म के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे पी वन पुट किया ना, तो नेक्स्ट टर्म के लिए यहाँ मैं छोटा सा रफ वर्क के तौर पे यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने बीच में लिखना नहीं है, उसको आप बता सकते हैं वन टू थ्री, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे पी की जगह टू, यानी इन तीनों टर्म्स में आप जहाँ जहाँ पी है वहाँ टू पुट कर देंगे, ये टू आ गया और यहाँ पर भी टू, यहाँ पर दो एक्स साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर टू, फिर आपके पास दो एक्स मल्टीप्लाई, फिर आप क्या करेंगे ए टू, यहाँ पे दो एक्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो इस टू के साथ क्या आ जाएगा क्यू की वैल्यू आपने लिखनी है वन, फर्स्ट टाइम वन आर वैसा का वैसा साथ रह जाएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे आर, यहाँ पे आपके लिखेंगे टू क्योंकि सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी टू, यहाँ पे साथ आर, यहाँ पे टू और यहाँ पे आर, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे थर्ड टर्म है तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे थ्री आ जाएगी, साथ आर आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या था ये टू था, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे अब ये क्यू क्या है थ्री और आर की वैल्यू की वैसी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है थर्ड टाइम लिखेंगे, उसमें पी की वैल्यू थ्री पुट करेंगे और क्यू की वैल्यू अगेन वन टू थ्री होगी, तो कैसे हो जाएगा आपके पास ए यहाँ पे थ्री, यहाँ पे एक्स थ्री, दो एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे थ्री एक्स थ्री, यहाँ पे भी दो एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास ए थ्री दो एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है पहले क्यू की वैल्यू लिखेंगे वन, क्यू की वैल्यू होगी वन, आर साथ ऐसे के वैसा, यहाँ हो गया क्यू की वैल्यू टू, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आप थ्री पुट करेंगे तो ये थ्री और ये आर, ठीक है, ये आपके पास एक्सपेंशन आ गई। अब हमने इसको मज़ीद एक्सपेंड करना है, क्यों एक्सपेंड करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमारे पास आर की वैल्यू हैं वो वैसी की वैसी हैं, हमने आर की वैल्यूज़ भी पुट करनी है, तो आर की वैल्यूज़ हम कैसे पुट करेंगे, आर की वैल्यू आपने ऐसे करनी होगी, जैसे अभी ये टर्म है, ये अभी आपके पास एक टर्म है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब पहले इस टर्म में आर की वैल्यू वन टू और थ्री, यानी आर की वैल्यू आप वन टू थ्री करके इसमें ऐड करेंगे, फिर इस सारी टर्म में वन टू थ्री आर ऐड करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम वो करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वो कैसे होगा, जैसे अभी आप देख लें फर्स्ट टर्म मैं आपके सामने करती हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास ये ना ऐसे आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास थोड़ा विजिबल हो रहा होगा, फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म है आपके पास क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म आपको नज़र जो है वो एक मिनट वो थोड़ी न्यू ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखनी है, वो क्या हो जाएगी आपके पास ए वन वन, आर की जगह वन, फिर एक्स वन, एक्स वन जो ऑलरेडी था और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स वन, फिर आप क्या करेंगे इस आर की जगह, इसी आर की जगह इस सारी टर्म में आर की जगह टू पुट कर देंगे, वन वन टू एक्स वन, एक्स वन एक्स टू, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है अगेन इसी सारी टर्म में आर की जगह थ्री पुट कर देना है, तो वन वन थ्री एक्स वन, एक्स वन और एक्स थ्री हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म के बाद आपने सेकंड टर्म पे आ जाना है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है यहाँ पे, सेकंड टर्म आप देखें यहाँ पे आपके पास ये वाली टर्म है, ये सारी टर्म है, तो इस सारी टर्म में आपने क्या करना है आर की वैल्यू पुट करनी है, पहले आप क्या करेंगे ये है क्या वन टू और आर की जगह आपने क्या कर दिया वन, यहाँ पे एक्स वन एक्स एक्स टू है और एक्स आर की जगह हो जाएगा वन, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे प्लस यहाँ पे वन टू, यहाँ पे आर की जगह टू, ये क्या था एक्स वन एक्स टू और एक्स की जगह क्या हो जाएगा टू, प्लस यहाँ पे वन टू
आर की जगह थ्री, यहाँ पे क्या था वन और टू, और यहाँ पे एक्स आर की जगह क्या आ जाएगा थ्री, ठीक है। ये आपके पास टर्म आ गई। अब आपने इससे नेक्स्ट टर्म लेके जानी है, इससे नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या थी, वो आपके पास टर्म थी ये थी, वो आपके टर्म ठीक है, वो आपके पास थी ए वन थ्री आर एक्स वन एक्स थ्री और एक्स आर। अब इसमें आर की वैल्यू वन टू थ्री आपने पुट करनी है, तो वो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगी। वो हम लिखेंगे हमारे पास क्या है, यूँ आप इसको एडजस्ट कर लें और देखें, आपके पास प्लस ए वन थ्री और एक्स वन एक्स थ्री है और आर की वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू थी वन और थ्री, प्लस ए वन थ्री एक्स की वैल्यू वन एक्स थ्री और यहाँ पे आर की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। तो आर की वैल्यू पहले यहाँ पे क्या आ जाएगी वन, यहाँ पे क्या आ जाएगी टू, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी थ्री, ठीक हो गया। अब आप इससे नेक्स्ट आए, नेक्स्ट टर्म हम इससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या थी। तो नेक्स्ट टर्म आप देख रहे हैं कि आपके पास टू वन आर ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास यानी ए टू वन एक्स टू एक्स वन प्लस ए टू वन एक्स टू एक्स वन प्लस ए टू वन एक्स वन सॉरी एक्स टू और एक्स वन ये आ जाएगा आपके पास। अब आप इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे वन, वन आ गया, टू यहाँ पे एक्स की टू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू थ्री और यहाँ पे भी थ्री आ जाएगा। फिर आप करेंगे प्लस, ये पहली तीन आई फोर्थ टर्म थी, अब फिफ्थ टर्म देखते हैं। फिफ्थ टर्म पहले आप देख लें आपके पास है क्या, ए टू टू है, ठीक है, ए टू टू आर एक्स टू एक्स टू एक्स टू और आर एक्स आर है, तो इसको पुट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए टू टू यानी एक्स टू टू प्लस ए टू टू एक्स टू टू, यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू लिखनी है, ए टू टू एक्स टू एक्स टू और यहाँ पे एक एक्स आ जाएगा। अब आपने आर की वैल्यू वन, यहाँ पे आर की वैल्यू टू और यहाँ आर की वैल्यू थ्री आ जाएगी, ठीक है। प्लस अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म पे आ जाना है, ये थ्री फोर फाइव, फाइव फिफ्थ टर्म तक हो गया। अब हम सिक्स टर्म देखेंगे, सिक्स टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिक्स टर्म आप देख लें आपके पास है क्या, टू थ्री। सिक्स टर्म में आपको बता रहे हैं कि ए की वैल्यू आपके पास क्या है, टू थ्री, ए की वैल्यू है टू थ्री। और इसी तरह अगर टू थ्री है हो तो आप क्या लिखते हैं, टू थ्री हो तो आप लिखेंगे ए टू थ्री यहाँ पे एक्स टू और एक्स थ्री प्लस ए टू थ्री एक्स टू और एक्स थ्री प्लस ए टू थ्री एक्स टू और एक्स थ्री और यहाँ पे एक्स। आर की वैल्यू वन, यहाँ पे भी वन, टू टू थ्री और थ्री आ जाएगा। प्लस अब सेवन टर्म आपने करनी है, सेवन टर्म पहले आप देख लें आपके पास है क्या, ये सेवन टर्म है यानी आपके पास थ्री वन आर एक्स थ्री एक्स वन एक्स आर है, ठीक है। तो सेवन्थ टर्म को आप कैसे करेंगे, ए थ्री वन है एक्स थ्री एक्स वन प्लस ए थ्री वन एक्स थ्री एक्स वन प्लस ए थ्री वन एक्स थ्री एक्स वन और ये एक्स। अब यहाँ आर की वैल्यू वन, फर्स्ट हम वन पुट कर देंगे, फिर आ जाएगी टू, वो हमने पुट कर दी टू, फिर आ जाएगी थ्री, वो हम पुट कर देंगे थ्री, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप ये करेंगे कि इसके बाद सेवन के बाद आपने एट टर्म लिखनी है। तो एट टर्म आप पहले देख लेंगे है कि आपके पास एट टर्म है ए थ्री टू, तो हम थ्री टू से करेंगे। देखें ए थ्री टू एक्स थ्री एक्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए थ्री टू एक्स थ्री एक्स टू प्लस ए थ्री टू एक्स थ्री एक्स टू, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, आर की वैल्यू वन, वन होगी, आर की वैल्यू टू यहाँ पे टू हो जाएगा, आर की वैल्यू थ्री यहाँ पे थ्री आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे टर्म, यानी आपके पास फाइनल टर्म जो है नाइन्थ टर्म, वो क्या है आपके पास ए थ्री थ्री आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू आप लिख लें, क्या लिखेंगे ए थ्री थ्री एक्स थ्री और एक्स थ्री प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा। पहली वैल्यू वन आर की वैल्यू, सेकंड आर की वैल्यू टू और थर्ड आपके पास आर की वैल्यू थ्री। तो ये आपके पास इसकी जो है ओवरऑल आपके पास आ गई एक्सपेंशन, जो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी एक्सपेंशन, ओवरऑल आपके पास एक्सपेंशन है। और ये किस टर्म की आपने फाइंड की थी,
ये आपने फाइंड की थी, ए पी क्यू आर एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर की, ठीक है। तो ये उसका फाइनल जो है एक्सपेंशन आ गया।